तो अगर आपने 1899 सीरीज देख ली है तो आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ये छोटा सा कीड़ा दरवाजे कैसे खोल रहा था, एंड लास्ट एपिसोड में ये ब्लैक चीज जो शिप में फैल रही थी आखिर ये क्या था। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस सीरीज के इस पोस्टर की शूटिंग कैसे हुई है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो सीरीज के लास्ट में हमें ये पता चलता है कि अभी तक जो भी चीजें हो रही थी तो उन सभी में कोई भी चीज अभी तक रियल नहीं था। कार्बोरस शिप में सभी पैसेंजर का लंदन से न्यूयॉर्क जाना एंड प्रोमेथियस शिप से कार्बोरस शिप पर सिग्नल आना कुछ भी रियल नहीं था, बल्कि ये सभी एक सिमुलेशन का पार्ट था। एंड इस सिमुलेशन प्रोग्रामिंग को कंट्रोल कर रहा था मौरा फ्रैंकलिन का भाई। एंड सिमुलेशन के अंदर जब मौरा एंड डैनियल ने की का इस्तेमाल किया तब जाकर मौरा इस सिमुलेशन से बाहर निकली। एंड तब हमें पता चलता है कि सीरीज में अभी तक हमने जितने भी कैरेक्टर को देखा है वो सभी एक पॉड में बंद है एंड उनके दिमाग के सिमुलेशन को कंट्रोल किया जा रहा है मशीनों के द्वारा। एंड ये सभी चीजें पृथ्वी पर नहीं हो रही है बल्कि आउटर स्पेस में एक स्पेस शिप के अंदर हो रहा है। एंड इस स्पेस शिप का नाम भी प्रोमेथियस है। तब मौरा जब सिमुलेशन के बाहर निकलती है तब हमें पता चलता है कि इस रियलिटी का समय 1899 नहीं बल्कि 2099 है। अब ये स्पेस शिप वाला सीन भी रियलिटी है या नहीं कौन जानता है, मे बी ये सभी एक सिमुलेशन का पार्ट ही हो सकता है। तो आखिर इस सिमुलेशन को क्रिएट किसने किया था? तो सीरीज में हमें डैनियल के द्वारा पता चलता है कि इन सभी सिमुलेशन को मौरा ने ही क्रिएट किया था एंड इसे क्रिएट करने के पीछे रीजन था उसका बेटा एलियट। तो उसके बेटे की किसी तरह मौत हो गई थी। एलियट के मरने को आप इससे कंफर्म कर सकते हो कि जब मौरा अपने रूम के साथ से होकर अपने मेमोरी में जाती है तब आप उसके मेमोरी में इस कब्र को देख सकते हो एंड ये कब्र और किसी का नहीं बल्कि एलियट का ही रहता है। एंड जब डैनियल एलियट को ढूंढता हुआ मौरा के मेमोरी में जाता है तो आप एलियट को इसी कब्र में देख सकते हैं। लेकिन मौरा अपने दिमाग के अंदर अपने बेटे को जिंदा रखना चाहती थी एंड वो बचपन से ही दिमाग के बारे में बहुत कुछ जानती थी एंड इसलिए मौरा ने ये सिमुलेशन प्रोग्राम बनाया था। लेकिन मौरा के जाते उसके भाई ने इस प्रोग्राम पर पूरा कंट्रोल ले लिया एंड मौरा के साथ इन सभी लोगों को एक लूप में फंसा दिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस कीड़े के बारे में। तो सीरीज में आपने इस कीड़े को कुछ दरवाजे को खोलते हुए देखा होगा, तो आखिर ये कैसे मुमकिन हो पा रहा था? तो ये कीड़ा और कुछ नहीं बल्कि एक प्रोग्राम के बग को रिप्रेजेंट करता है। तो सीरीज के लास्ट के सीन से हमें ये पता है कि अभी तक जो भी चीज हमने सीरीज में देखी है वो सभी एक सिमुलेशन प्रोग्राम का पार्ट था। लेकिन अगर आपने फर्स्ट एपिसोड के इस सीन को गौर से देखा होगा तो ये चाइनीज लड़की जब चाय पी रही होती है तब आप उसके हाथ को ग्लिच करते देख सकते हैं एंड ये हिंट था कि ये सभी चीजें एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है। तो किसी भी प्रोग्राम में एक बग ऐसी चीज होती है जिससे कि आप प्रोग्राम के अंदर घुस सकते हो, यानी कि आप उस बग के द्वारा प्रोग्राम के कोड को हेर फेर करके उसे हैक कर सकते हो एंड इस बग के बारे में सिर्फ डैनियल एंड उसके बेटे एलियट को पता था एंड बग का हिंदी मीनिंग कीड़ा ही होता है एंड इसीलिए इस बग को एक कीड़े के रूप में दिखाया गया है। एंड इसके साथ ही लास्ट एपिसोड में आप इस ब्लैक कलर की चीज को पूरे शिप में फैलते देख सकते हो। तो ये कुछ नहीं बल्कि एक वायरस को रिप्रेजेंट करता है एंड इस वायरस के द्वारा इस प्रोग्राम को शट डाउन किया जा रहा था। तो अब बात करते हैं कि सीरीज में दिखाई गई ये चीज क्या थी। तो जहां तक मुझे पता चला ये एक तरह का क्वांटम कंप्यूटर है जिसके द्वारा इस प्रोग्राम के कोड को एक्सेस किया जा रहा था। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि इंटरेस्टिंग चीज के बारे में। तो इस सीरीज के इस पोस्टर को आपने देखा होगा जिसमें मौरा उल्टा गिर रही है। तो इस पोस्टर की शूटिंग कैसे हुई है मैं आपको बताता हूं। तो इस पोस्टर को CGI से नहीं बल्कि कुछ इस तरह स्टूडियो में शूट किया गया है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो एंड आपको पसंद आया हो तो ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।